अगर ये प्रोग्राम भी आप कंप्लीटली ज्वाइन ना कर सके तो भी आप इसका रिकॉर्डिंग्स को एंड तक देखिएगा, दो तीन बार देखिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। उसको सही तरह से नहीं समझेंगे तो उसको काम पे आप लगा नहीं पाएंगे। एंड आप सबसे अनुरोध करूंगा, प्रोग्राम के अंत में आप सब रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब एक फीडबैक्स भी दे दीजिएगा। वो फीडबैक्स का जो लिंक है मैं आप सबको चैट मैसेज में भेज रहा हूँ, वो एक फीडबैक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत लोगों को एनकरेज करवाता है इस तरह से फ्री प्रोग्राम्स को ज्वाइन होना। एंड ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के ऊपर में आपको बहुत कम प्लेसेस में उसका राइट स्टाइल मिलेगा। आप में से बहुत लोग तो सीरियस ट्रेडर होंगे, आप लोगों को पता होगा ऑप्शंस में जब कोई डिस्कशन आता है तो मेजोरिटी जो ट्रेडर है वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है। उसका कंफ्यूजन इतना रहता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का नाम सुनते ही वो डर जाता है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप सीखने लगे, पढ़ने लगे, तो वो आप कर सकते हैं। एंड अभी वो टाइम आ गया। पहले जब मार्जिन्स बड़ा था वो रिटेल ट्रेडर के लिए फिजिबल नहीं था, अभी ये फिजिबल हो गया। तो आप लोगों को रिव्यू का लिंक भी मैंने भेज दिया, प्रोग्राम का एंड में दे। अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोग्राम का जो शीर्षक है, जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। लो मार्जिन का जो अभी माहौल बना हुआ है, इसमें इसमें लो मार्जिन का जो माहौल बना हुआ है इसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, इसमें क्या रिस्क है एंड क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी दूसरा एक बॉक्स स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी आज हम सीखेंगे। एंड कल भी मैंने वो ट्रेड दिखाया था आपको, आज वो ट्रेड किस तरह से परफॉर्म किया है वो भी देखेंगे। तो पहले मैं चलता हूं, जो मेरा डिस्कशन का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, अभी क्या मार्जिन में क्या रिडक्शन आया है एंड क्या इसका रिस्क एंड रिवार्ड्स, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में सोचेंगे। अभी जो मार्जिन का रिडक्शन हुआ है वो एक लॉन्ग पेंडिंग ड्यू था, ये इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो एक हेज्ड पोजीशन है। एक खरीदते हैं दूसरा बेचते हैं, वो जो हेजिंग वाले जो पोजीशन होते हैं उसमें रिस्क कम रहता है, फिर भी वो हमारा जो रेगुलेटरी बॉडीज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, अभी उन्होंने एक्सेप्ट किए। एंड आपका जो मार्जिन है लगभग 85% घटा दिया गया है, यानी कि जो पोजीशन 1.5 लाख में भी नहीं हो पाता था अभी वो लगभग 20,000 25,000 में आप कर सकते हैं। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट घट गया तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गया। इसमें क्या क्या फायदा होगा, पहले ऑप्शन में लिक्विडिटी कम रहता था, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस अगर माने जो बाइंग है एंड जो सेलिंग है, इस बाइंग एंड सेलिंग में 3 रुपया 4 रुपया का डिफरेंसेस रहता था, वो अभी खत्म हो जाएगा। उसमें जो स्प्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग का स्प्रेड जो है वो लगभग इक्वल हो जाएगा। एंड जब लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो ऑप्शन एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट भी हो जाएगा। दूसरा, मार्जिन कम होने के कारण से सिर्फ हर कोई उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, उसको सीखना पड़ेगा कैसे हम हेजिंग करें, कैसे हम प्रोटेक्ट करें। आप अगर मेरा वीडियोस देखे, मेरे यूट्यूब चैनल में जो स्मार्ट फाइनेंस का यूट्यूब चैनल, जो कि सब लोगों को पता है, अगर आप हमारे वेबसाइट जाते हैं यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम से, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। ये चैनल अगर आप देखें, ये 2008 या 9 से अभी तक, यानी कि 10-11 साल से ये चैनल है। आप अगर देखें यहाँ पे हम लोगो भी दिए हुए हैं, न्यू मेथड ऑफ हेजिंग।
एंड इसके ऊपर में 10-12 साल का जो हमारा काम है, हर कोई वीडियो में आपने देखे होंगे, मैं ये दोहराता हूं, हेजिंग करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन से ही पैसा बनेगा। उसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग जो समझ नहीं पाते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, फिर भी मेरा यही रहता है एक मिशन कि आपको ये बताऊं, ट्रेड एक रिस्की अफेयर है, इसको रिस्क को मैनेज करो। मैं वो क्रिटिसिज्म को सीरियसली वो 12 साल से ही नहीं लिया, अभी उसका फल मिला है, अभी उसका जो रियल जो नेचर है वो आया है। अभी जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मार्जिन का घटा दिया गया, तो इसका मतलब है रेगुलेटरी बॉडी भी ये देखा कि हाँ ये एक सही तरीका का ट्रेड है, इसमें अगर ट्रेडर ट्रेड करे वो खुद भी पैसा बनाएगा, ब्रोकर भी पैसा बनाएगा और एंड वो लॉन्ग टर्म मार्केट में भी रहेगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है, इसीलिए ये लोगों ने, ये मैंने बताया आपको, मार्जिन घटने के कारण से लिक्विडिटी ऑप्शंस में बढ़ेगा, जो ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट के तरफ से ज्यादा ध्यान देगा एंड सब लोग ऑप्शन हेजिंग के ऊपर में अगर काम करे तो उनको अच्छा फायदा मिलेगा एंड रेट ऑफ रिटर्न्स, जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, ये भी बढ़ जाए, बहुत बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न आएगा। उसमें रिस्क क्या है? अभी का जो मार्जिन सिस्टम आया है, मार्जिन तो घटा दिया गया है, बट ये जो मार्जिन है इसको वोलेटिलिटी के साथ में लिंक्ड कर दिया गया है। यानी कि अगर अभी मार्जिन आपको 30,000 लगा हुआ है, वोलेटिलिटी 50% बढ़ गया तो ये मार्जिन डबल हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। जैसे कि मैं आज आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आज सुबह में 2 वीडियो रिलीज हुए, आज आफ्टरनून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एक स्ट्रैटेजी आज आपका यूट्यूब में डाला, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जब ये स्ट्रैटेजी बनाया गया उस टाइम में मार्जिन क्या था, आप सब स्क्रीन पे देखिए, ये स्क्रीनशॉट में उसी टाइम पे लिया था, 92,574 था। अभी अगर मैं उसी चीज को दिखाता हूं मेरा जो ओपन पोजिशंस में, तो आप देखिएगा, तो ये पोजीशन तो मैं लिया हूं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा वो स्क्रीन आपका हिडन में रहेगा, तो क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा जो पासवर्ड है ये सब यूजर आईडी, इसको थोड़ा ये करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको दिया गया था आज सुबह में, जब दिया गया उसका स्क्रीनशॉट वो रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है। उस समय में 92,000 का मार्जिन था, और अगर देखें ये 1,13,000 हो गया, यानी कि एक 20,000 के आसपास में मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन था, वोलेटिलिटी बढ़ गया, इसी कारण से इसका भी ये मार्जिन बढ़ गया। तो ये जो मार्जिन में बढ़ोतरा मार्केट लिंक्ड वोलेटिलिटी से उसको जोड़ दिया गया, तो जब ये वोलेटिलिटी से जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, मार्जिन बढ़ेगा एंड घटेगा। इसीलिए भाई मार्जिन कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा पोजीशन लेके पूरा अपना सारे फंड को यूटिलाइज कर दे। सफिशिएंट लिक्विडिटी रखिएगा, यानी कि पहले 1,00,000 का जहां पे मार्जिन लगता था, अभी 30,000 हो गया तो 70,000 बच रहा है। इसका मतलब नहीं है कि 2-3 पोजीशन डाल दो, ये 70,000 ऐसे रखिए, नहीं तो एक 50,000 तो एटलीस्ट रखिए। सफिशियंट लिक्विडिटी रखिएगा, वोलेटिलिटी से अभी लिंक्ड हुआ है, मार्जिन बढ़ेगा एंड घटेगा, बट वो उससे स्टेज तक नहीं जाएगा, जो पुराना वाला जो मार्जिन था तो उस स्टेज तक जाएगा नहीं, वो इंडिविजुअल वोलेटिलिटी से, मत VIX से, इंडिविजुअल काउंटर का वोलेटिलिटी से वो लोग लिंक किए। तो इसलिए सफिशियंट लिक्विडिटी आपको रखना पड़ेगा, एंड जब आप ओवर पोजीशंस ले लेंगे, बड़ा पोजीशन ले लेंगे, उसको मैनेज करने के लिए भी स्किल चाहिए, ये भी आपका एक रिस्क है। तो प्रॉफिट का एंजाइटी में और ग्रीड में
बड़ा पोजीशंस मत लीजिएगा, छोटे पोजीशन लीजिए एंड उसी को आप मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए। तो छोटे पोजीशंस मैनेज हो वही अच्छा है। एंड ये जो वोलेटिलिटी से लिंक हुआ है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हाँ मार्जिन वोलेटिलिटी से लिंक है। जैसे मैंने बताया ये पोजीशंस लिए गए अराउंड 12 बजे, 3:30 बजे का जो क्लोजिंग के हिसाब से मार्जिन देखिए 1,13,000। तो ये वोलेटिलिटी से जुड़ा हुआ है, इसका ये एक प्रमाण मैं आप लोगों को दे दिया, प्रूफ दे दिया। चाहे मंडे में अगर वोलेटिलिटी गिर जाए तो फिर से आपको पैसा आ जाएगा, बट आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बट पहले का जो मार्जिन था, अगर मैं आपको बताऊं ये जून का, अगर मई का महीने में, अप्रैल का महीने में यही पोजीशन आप लेते, आपको 4 लाख का मार्जिन चाहिए था। तो इसीलिए अभी मार्जिन गिरना, मार्जिन को स्ट्रीमलाइन किया जाना, वो एक अच्छा कदम है। वोलेटिलिटी से लिंक करना, ये भी एक अच्छा कदम, आप ये दोनों को याद रखिएगा। तो दूसरा चीज हो जाता है, अभी का जो सिचुएशन बना हुआ है, जो मार्जिन्स एंड जिस तरह से ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर में एक बड़ा कदम लिया गया है, इससे सिर्फ एजुकेटेड ट्रेडर्स ही सस्टेन करेंगे। जिन लोगों को ट्रेड एक सीरियस बिजनेस लगता है, ट्रेड एक परफेक्ट बिजनेस लगता है, वही ही सस्टेन करेंगे। बाकी जो सोचते हैं ट्रेड एक गैम्बलिंग है, जो भी कर लो पैसा आ जाएगा, उस तरह का ट्रेडर ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे, वो नहीं। एंड ये जो जब भी बात हुआ स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है ये कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला प्लान, हर वक्त बदलेगा। यानी कि आप अगर काल, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आप एक घर बनाते हैं, बड़ा सा एक आर्किटेक्ट को बुलाए, 1 करोड़ उसका फी दिए, बड़ा सा बंगलो बनाए, बन गया। ये बंगलो बनाने का 6 महीने के बाद आप उसमें अल्टरेशन करना शुरू कर देते हैं, नहीं यहाँ पे मुझे टॉयलेट नहीं चाहिए, यहाँ पे बाथरूम नहीं चाहिए, ये बाथरूम में ये बदलाव चाहिए, ये किचन में ये बदलाव चाहिए। बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाए, इतना पैसा भी खर्चा किए, 6 महीने के बाद में ये प्लानिंग क्यों आपका बदलने लगा? इसका मतलब ये है जो प्लानिंग उस टाइम में किया गया था वो समय के लिए वो सही था, अभी आप अपने कन्वीनियंसी के लिए वो प्लानिंग में बदलाव कर रहे हैं। तो हर चीज हमारा लाइफ में ऐसे ही होता है, हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, काम करते हैं, बाद में हमें वो प्लानिंग में अल्टरेशंस लाना पड़ता है। यानी कि हमारा जो नीड होता है, जिस तरह से सिचुएशन बनता है, उसी तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी ऐसे ही रहेगा, इसका नाम है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर उसको बोल देंगे कहीं नहीं, ये एक ऐसा मंत्र दे दो जिस मंत्र को जपने से सिर्फ पैसा आते रहे, तो वो तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हुआ नहीं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब है बदलाव आएगा, एंड आपको उसके लिए बदलाव कैसे आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जितने आप सीखेंगे उतना ही आपका रिफाइन। तो इसीलिए इसका नाम है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये भाई मैंने बता दिया ये रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है। अभी एक चलते हैं, एक स्ट्रैटेजी समझ लो। ये स्ट्रैटेजी जो होता है इसको बॉक्स स्प्रेड बोलते हैं, एंड ये जो बॉक्स स्प्रेड है, स्प्रेड होता क्या है वो समझ लेते हैं। बॉक्स स्प्रेड में क्या होता है, हम एक इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को बाई करते हैं, एक आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को बेचते हैं, कॉल एंड पुट दोनों एक एक लॉट का। इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड। यानी कि हमने पैसा लगाया, हमारे पॉकेट से पैसा गया, वो लॉन्ग। जब हमारे पास में पैसा आया उसको बोला जाता है शॉर्ट स्प्रेड। ये स्ट्रैटेजी जब भी बनाया जाता है उसका कुछ नियम्स होते हैं, छोटे छोटे नियम्स। ये स्ट्रैटेजी हर वक्त आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपको जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब आप एंट्री करें, एंड वो अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका भी तकनीकी जो टेक्निक्स है मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए 3 जून का ये जब मैंने स्लाइड बनाया था 1:10 पर आफ्टरनून में,
10,121 में निफ्टी चल रहा था, उस समय में 10,000 का कॉल ऑप्शन एंड 10,500 का कॉल ऑप्शन अगर मैं लू, ये 330, ये 110, यानी कि अगर मैं 10,000 का कॉल खरीदता हूं, 10,005 का कॉल ऑप्शन बेचता हूं एक एक लॉट, तो उसमें क्या होता है, मेरा पैसा लगता है 220 रुपया, यानी कि 330 में खरीदा, 110 में बेचा, 220 रुपया मेरे पॉकेट से गया। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी एनालिसिस कर देते हैं, दोनों के बीच में 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 10,000 एंड 10,020 के 10,500 में 500 से 220 अगर आप हटा दें तो आपका यहाँ पे रिवार्ड बन जाता है 280, रिस्क हो जाता है 220। यानी कि अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, एक्सपायरी तक तो होल्ड नहीं करना है, अगर एक्सपायरी 10,000 के नीचे में होता है निफ्टी का, तो आपको 220 रुपया का लॉस लगेगा कॉल। अगर एक्सपायरी 10,500 के ऊपर में होता है जून के एंड में, आपको 280 रुपया का फायदा मिलेगा। तो ये हो गया रिस्क एंड रिवार्ड। इसमें तो आप सिर्फ रिस्क एंड रिवार्ड समझ जाइए। उसी समय में अगर मैं 10,500 का पुट एंड 10,000 का पुट को लू, खरीदू 10,500 एंड बेचू 10,000 का पुट, तो वहां पे भी ये प्राइस को देख के 278 रुपया का रिस्क एंड 222 रुपया का रिवार्ड। तो अगर मैं दोनों को ले लूं मार्केट न्यूट्रल, यानी कि चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तो मैं मेरा क्या यहाँ पे बनेगा। अगर मैं ये दोनों ट्रेड ले लेता हूं, कॉल का भी पुट का भी, लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड में, यानी कि 10,000 का कॉल भी खरीद लिया, 10,500 का पुट भी खरीद लिया, 10,500 का कॉल बेच दिया, 10,000 का पुट भी बेच दिया, ये केसेस में क्या होगा, मेरा अगर रिस्क ट्रिगर होता है कॉल में, तो पुट मुझे रिवार्ड दे देगा। अगर कॉल में अगर रिस्क ट्रिगर हो जाता है तो पुट में मुझे फायदा मिल जाएगा। तो ये एक रियलिटी है, बट वो होगा उसका जो गारंटी नहीं है, यानी कि ये अगर आपका 10,100 में एक्सपायरी हो गया, 9,900 में एक्सपायरी हो गया, तो पूरा तो आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो थोड़ा इनबैलेंस हो जाएंगे। तो ये बताता है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, ये सब है कि अगर रिस्क कॉल में ट्रिगर होता है यहाँ पे, तो रिवार्ड जो है पुट के साइड में आ जाएगा, एंड पुट में अगर रिस्क ट्रिगर हो जाता है तो कॉल में हमें फायदा मिल जाएगा। यही जो चीज है, ये चीज तो आप समझ गए। अभी बात ये आता है, ये जो रिस्क रिवार्ड को अगर देखे, कॉल में अगर रिस्क ट्रिगर होता है तो हमारा 220 रुपया जाएगा, मिलेगा पुट में कितना, 222, तो सिर्फ 2 रुपये का फायदा मिला। अगर पुट में रिस्क ट्रिगर होता है यहाँ पे, तो हमें 280 रुपया मिलेगा रिवार्ड यहाँ पे, पूरा कंप्लीट अगर 100% माने तो 2 रुपया मिला, तो 2 रुपया के लिए थोड़ी काम कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो रिस्क एक में ट्रिगर होता है तो रिवार्ड एक में कंप्लीट अगर मिल भी जाता है, तो ये जो ट्रेड अभी जो है आप देख रहे हैं, ये एक सही ट्रेड नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क जितना है रिवार्ड उतना है। आगे चलते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड माने, शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड, तो उसका ठीक अपोजिट होगा, यानी कि हम एक सेल करेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को एंड बाई करेंगे एक एक आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। वही एग्जांपल उसमें पिछले एग्जांपल में आपने देखे थे, ये दोनों का आपने खरीदे थे, 10,000 का कॉल एंड 10,500 का पुट, लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड था। अभी अगर आप इसको बेच देते हैं तो यहाँ पे भी ये शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड हो जाएगा, एंड आपको जो खरीदे थे पिछले एग्जाम्पल में जो आपने बेचे थे पिछले एग्जाम्पल में 10,500 का कॉल एंड 10,000 का पुट, उसको आपको ये जो शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड पे खरीदना पड़ेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, थोड़ा सा जो खरीदे हैं लॉन्ग में वो शॉर्ट में बेच रहे हैं, जो आप बेचे हैं जो लॉन्ग में उसको आप खरीद रहे हैं शॉर्ट बॉक्स, यही अंतर है इनका, लॉन्ग शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड का डिफरेंस। बट यहाँ पे जो सिचुएशन आप देख रहे हैं,
यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इक्वल है, आप अभी ट्रेड का सिचुएशन नहीं बना। आगे चलते हैं, तो किस तरह का सिचुएशन में हमें ट्रेड करना है। 29 मई को जब ये अगर इसी तरह का एक ट्रेड को देखें, 29 मई को निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी स्पॉट में 86 पॉइंट का एक डिस्काउंट था, यानी कि फ्यूचर 86 पॉइंट नीचे स्पॉट का ट्रेड हो रहा था। ये 28 मई में भी था, 29 मई में था, 1 जून में भी था, 2 जून में वो 16 पॉइंट हो गया। ये जो 3 जून में जो आपने जब देखे, वो 3 जून में ऑलमोस्ट द फ्यूचर एंड स्पॉट इक्वल हो गए एट पार, दोनों में कोई डिस्काउंट या प्रीमियम्स नहीं थे। जिस समय में 1:10 का जो समय में मैंने जब रीडिंग लिया, उस समय में वो एट पार थे, 1-2 रुपए का डिफरेंसेस थे। तो इसीलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है इक्वल हो गया। अगर 29 मई को हम देखें, डिस्काउंट था, प्रीमियम में भी हो सकता है, अगर 50 पॉइंट प्रीमियम भी होता हमें चांस मिल जाता। तो अगर हम 29 मई का प्राइस देखें, उस समय में निफ्टी था, निफ्टी फ्यूचर था 9494, तो लगभग 9500 के आसपास में। तो मैं अगर 9000 का कॉल एंड 9000 का कॉल को बेचता हूं, 9500 का कॉल को खरीदता हूं, एंड 10000 का पुट को बेचता हूं एंड 9500 का पुट को खरीदता हूं, तो उस समय में अगर देखता हूं कॉल में शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड, अगर कॉल में 333 रुपया का मुझे क्रेडिट मिल जाता, पुट में 300 रुपया का क्रेडिट मिल जाता, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड जो है शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड में 333 का रिवार्ड, 160 का रिस्क। रिस्क बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे 200 रुपया का रिस्क एंड ये 300 रुपया का रिवार्ड। तो इसको अगर आप वर्कआउट करें तो क्या इसका मीनिंग निकलेगा। अगर मुझे कॉल के तरफ से 333 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है तो पुट में 200 रुपया का घाटा हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलेगा, 29 मई को अगर इसी ये जो वैल्यू को आप एनालाइज करें, ये आपको क्या देगा, कॉल में 333 रुपया का अगर पूरे का पूरा गेन आ जाता है, पुट में 200 रुपया चला जाएगा। अगर पुट में हमें 300 रुपया का फायदा हो जाता है तो कॉल में 166 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें फायदा तो रहेगा। तो यहाँ पे जितना रिस्क हो रहा है वहां पे जो रिवार्ड मिल रहा है, दोनों को फैक्टर कर दे तो एक 100-140 रुपया का फायदा रहेगा। एंड ये जो ट्रेड लिया जाएगा इसमें मार्जिन कितने लगेगा, ये भी एक जरूरी चीज है। ये चारों पोजीशंस, इसको खरीदे बेचे, इसको भी खरीदे बेचे, ये चारों पोजीशंस के लिए अभी का जो मार्जिन स्ट्रक्चर है 35,000 का मार्जिन लगेगा, 35,000 का मार्जिन लगेगा। अगर शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड करते हैं तो आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 33 रुपया का, यहाँ पे 30 रुपया का, तो उसमें क्रेडिट मिलेगा एंड 35,000 का मार्जिन लगेगा। जैसे मैंने कल भी दिखाया था, यहाँ पे लगभग एक 48,000 का क्रेडिट मिल गया, ये शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड कल का था, 48,000 का क्रेडिट मिल गया। तो यहाँ पे ये बॉक्स स्प्रेड का, शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड का दो फायदा होता है, एक रिस्क रिवार्ड अगर सही बैठा है, सही लग रहा है, अगर आपने एंट्री किए हैं तो आपको रिस्क ट्रिगर होता है तो रिवार्ड आएगा, रिवार्ड ट्रिगर होता है तो रिस्क एक साइड में लगेगा, एक तो फायदा ये रह जाएगा रिस्क रिवार्ड से, जो भी आप चाहे बना सकते हैं। दूसरा फायदा ये रहेगा, ये उस तरह के ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आते हैं जिसको रोल ओवर किया जा सकता है, सभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को रोल ओवर नहीं किया जा सकता, ये स्ट्रेटेजी को रोल ओवर किया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए आपको पुट के साइड में ये पूरा 300 रुपया का फायदा हो गया, कॉल में उस समय में आपको 166 रुपया का लॉस हो रहा होगा, यानी कि एक 300 फायदा हो गया, ये 166 का आपका लॉस हो गया, तो बाकी तो फायदा ही हुआ है। मान लीजिए ये फायदा हो गया एंड आप ये जो पुट वाला साइड को प्रॉफिट बुक कर लिए,
कॉल वाला साइड जो है आप उसको जुलाई में रोल ओवर कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि हाँ करेक्शन आ जाएंगे, ये 9000 तक करेक्शन आ जाएगा, जुलाई में उसको रोल ओवर कर दीजिए। यानी कि जुलाई का 9000 का कॉल बेचिए, 9500 का कॉल को खरीदिए, जून का जो लिए थे उसको बंद कर दीजिए, जिसको खरीदे हैं बेच दीजिए, इसको 9500 को बेचे हैं खरीदे हैं बेच दीजिए, 9000 को बेचे थे खरीद लीजिए एंड जुलाई में वही स्ट्राइक में ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब बड़ा करेक्शन आते हैं बड़ा फायदा हो जाता है। इस तरह का स्ट्रेटेजी मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है, इसलिए मैं बोलता जब मार्केट में बड़ा गिरावट आया, कोई भी ये नहीं सोचा था कि हाँ फिर से ये 10,000 के आसपास में जाएगा। मेरा इसी तरह सा एक शॉर्ट जो स्ट्रेटेजी था, जो लोग हमारे जो बायर्स ग्रुप में भी मैंने दिया था इसको, मेरा 10,000 का पुट 9,500 का पुट, 9,500 का पुट, इसमें मेरा पोजीशंस थे, शॉर्ट बटरफ्लाई सॉरी शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड में था। कॉल में तो फायदा हो गया, ये आ गया 7,500। ये फरवरी के महीने में, जस्ट जो फरवरी के बाद में, बजट के बाद में मैंने इनिशिएट किया था। ये जो पोजीशंस जब लिया गया तो 7,500 में आ गया, तो क्या करें, कॉल के साइड में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जो पुट का साइड था उसको 3 महीने आगे, यानी कि मई का महीने को उसको मैंने रोल ओवर कर दिया, तो मई का महीने में इसमें कुछ तो फायदा आ गया, बट फिर भी ये पूरा ये नहीं था, उसको भी फर्दर मैंने जुलाई में कर लिया, तो अभी उसमें फायदा आ गया। तो ये जो चीज है इसको हरी भरी में बुक करना जरूरी नहीं है। 3 महीना अगर आप रुक भी जाते हैं, मार्जिन तो कम हो गया है, आपको लगभग एक 30-35,000 का गेन्स इसमें आ जाएंगे, बाकी का तो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप प्रॉफिट भी रख सकते हैं एंड जो लॉस कंपोनेंट है उसको रोल ओवर भी कर सकते हैं, चाहे वही स्ट्राइक हो, चाहे 9,500-10,000 का क्यों हो। अगर 7,500 में पड़ा हुआ है निफ्टी, आप 8,000-8,500 का ले लो, तो वही डिफरेंस स्प्रेड सेम होना चाहिए। 300 का स्प्रेड इसमें था, वहां पे भी वही 300 का स्प्रेड मिल जाए तो अच्छा है। तो इसी तरह से अगर आप बॉक्स स्प्रेड में काम करें, बहुत बढ़िया फायदा ये देगा। एंड ये जो बॉक्स स्प्रेड है, जो आपने कल जो ट्रेड देखा था 100-200 पॉइंट का डिफरेंसेस में, आपको इसमें फायदा आ जाता है। कल जो ट्रेड आपने देखा था उसी का आप अगर आज देखें, आज में तो वही 10,019 से कुछ ऊपर गया है। अगर आज का प्राइसेस देखें, ये प्राइसेस में सब क्लोज हुए हैं, वही ट्रेड, इसमें 2-2.5 रुपया का अभी गेन है। बट फर्दर अगर जब 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10,500 तक आ जाए, 300 या 400 तक आ जाए, इसमें आप देखेंगे कि बड़ा प्रॉफिट आ जाए। अगर जो भी 29 तारीख को लिया गया था, 29 मई का जो पोजीशन आप देख रहे हैं, अगर ये 29 मई में ये लिया जाता एंड 2 जून को इसमें 44 पॉइंट का बेनिफिट था, यानी कि 3,352 रुपया का बेनिफिट था। 3 तारीख को और भी था, अगर आप देखें आज के डेट में देखें तो और भी बढ़ गया होगा रिटर्न्स। तो ये जो चीज है ये मैं बताना इसलिए आपको बताया कि ये जो बॉक्स स्प्रेड है एक बहुत बढ़िया, एंड अभी मार्जिन कितना है 35,000 का इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 3-4,000 मिल भी जाते हैं एक 300-400 पॉइंट का ऑसिलेशन में, ये जब इनिशिएट हुआ तब था 9,500, अभी हुआ 9,900 में ये प्रॉफिट देख रहे हैं। 300-400 पॉइंट्स का ऑसिलेशन में अगर 35,000 का इन्वेस्टमेंट में आपको 3,352 रुपया का गेन मिल जाता है, इसको लगभग एक 8-9% का गेन हो गया। महीने में अगर 4 ट्रेड भी ऐसे आ जाते हैं तो आप अंदाजा लगा दीजिए कितना हो गया, 31-32% आप ऐसे ही कमा लिए। तो जो भी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखें जो ट्रेड मैंने कल लगाया था, इसमें कुछ 25-25 रुपया का वो ब्रोकरेज दिया है,
सर्विस टैक्स, सेवी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो 36-35 ऐसे ही लगा है। जो ब्रोकरेज आपका है वो अलग से है, 20-20 रुपया, अगर 20-25 रुपया आप दे रहे हैं, 25 रुपया लगा के टोटल चार्जेस ये हो गया 36 रुपये के आसपास आता है। तो ये भी एक फिजिबल ट्रेड है, इसमें 3000 आया, अगर ये सारे भी मिला दें आपको आता है 200-400 रुपया का एक्सपेंडिचर रहेगा, 400 रुपया का एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंडिचर काट के भी आप एक बहुत बढ़िया पैसा इसमें कमा सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं ये सॉफ्टवेयर का क्या रोल रहता है। मान लीजिए अगर यही स्ट्रैटेजी आपका बनाया जाता है सॉफ्टवेयर में, इसको हमने बाई किए एंड एक कॉल ऑप्शन 9500 का हमने सेल किए एक लॉट, अगर हम यहाँ पे पुट का जो है 10000 का खरीदे, 10000 का पुट खरीदे एंड 10000 का पुट ऑप्शंस को एक बेचे, तो सॉफ्टवेयर का क्या रोल रहता है वो भी थोड़ा देख लीजिए। जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है, हमारा ये सॉफ्टवेयर, उनको भी यूज करने का एक अच्छा चांसेस मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखें सॉफ्टवेयर में हर लेवल पे ये कितने कितने लॉसेस एंड फायदा देगा, ये तो आज का वैल्यू है, तो कल का वैल्यू कुछ अलग था। ये बता रहा है जब ये 10600 के आसपास में जाएगा 4000 का प्रॉफिट होगा, 10500 में 3000 का प्रॉफिट होगा। अभी फिलहाल ये सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1900 रुपया, 2200 रुपया, 1700, क्योंकि वो तो रिस्क पूरा तो ट्रिगर नहीं हो गए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बताएगा कितने रिस्क एंड कितने रिवॉर्ड कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड ये जो 5 दिन का मैंने टारगेट रखा तो अभी वो वोलेटिलिटी के हिसाब से बता रहा है 10800 जा सकता है, नहीं तो 9500 आ सकता है, उस जोन में क्या क्या लॉसेस एंड फायदे रहे। तो ये एक फायदा रहता है ये जो सॉफ्टवेयर में आपको ये पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आईवीज के डिके को देख के क्या टारगेट्स बनेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हो गया आपका ग्रीक स्कैनर, नेट ग्रीक एनालिसिस। नेट ग्रीक एनालिसिस में ये जो स्ट्रेटेजी आप बैठाए हैं इसका नेट डेल्टा, नेट वेगा, नेट थीटा क्या है वो पता चलेगा। इसके बारे में आप अगर डेल्टा थीटा वेगा के बारे में पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। ये अगर ग्रीक स्कैनर में पूरा आ जाता है जितने भी स्ट्राइक्स है उनका क्या आईवीज है, क्या उनका थीटा वेगा आईवी है, सब कैलकुलेशन होके आ जाता है। इसमें एडवांस प्राइस ट्रेंड एनालाइजर रखा गया है, एक हफ्ते में क्या क्या कंसोलिडेशन बैंड बनेंगे, क्या ऑप्ट्रेंड के लेवल्स बनेंगे, वो सब आ गए, हफ्ते का महीने का सब आ गया एक क्लिक में। तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट टूल है। पहले क्या होता था मार्जिन के कारण से बहुत लोग इसको यूज नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे स्कैनर वाले सॉफ्टवेयर भी दिए गए, बहुत सारे पेयर्स हम लोगों ने, जो मेरा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स में 22 ऑप्शन स्ट्रेटजीज है उसका भी कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे प्रोग्राम किए गए हैं, तो ये भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स रहेगा। ये स्ट्रैटेजी जो है आप जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, अभी डालिए तो मैं बाद में देखूंगा। जो ये जो स्ट्रैटेजी बॉक्स स्प्रेड आपने देखे, यही स्ट्रैटेजी बॉक्स स्प्रेड में क्या कर रहे हैं आप, इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं इन द मनी। अगर लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड हुआ इन द मनी को खरीद रहे हैं, इन द मनी यानी कि जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, और शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड हुआ इन द मनी को बेच रहे हैं। अगर वही इन द मनी को आउट ऑफ मनी या एट द मनी कर दें, बाकी का तो आउट ऑफ मनी है ही, तो वही स्ट्रैटेजी का नाम बदल गया आयरन कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी। जितने भी स्ट्रैटेजी का फंडा है वो इसी तरह से बने हुए हैं, बड़ा बड़ा नाम उनको बनाया गया। इंटरनली क्या है वो सेम ही एक अरेंजमेंट सी है, वो अरेंजमेंट में रिस्क रिवॉर्ड को देख के आपको इनिशिएट करना पड़ता है। एंड बॉक्स स्प्रेड आपने देखे, आयरन कॉन्डर वही पे देखे, आप देखे सिर्फ कॉन्डर भी आ गया, एक साइड में कॉल सिर्फ लेते हैं या सिर्फ पुट लेते हैं उसका नाम हो गया कॉन्डर। तो आयरन कॉन्डर, बॉक्स स्प्रेड, कॉन्डर स्ट्रेटेजी, तीनों एक ही बक्सा का तीन कॉइन है, सिर्फ उनका नेचर्स अलग अलग है। जहां पे ये दोनों अगर
इन द मनी बन गए तो ये हो गया बॉक्स स्प्रेड, ये एटीएम या ओटीएम बन गए, आयरन काउंटर हो गया। तो सिर्फ अगर कॉल साइड का लिए या पुट साइड का लिए वो काउंटर हो गया। तो तीनों स्ट्रेटेजी एक ही मैपिंग में आता है। तो सिर्फ आपको जब भी मैं पूछता हूं बहुत लोगों को स्ट्रेटेजी के बारे में, तो स्ट्रेटेजी का क्या कर लेते हैं, ये एक्सपायरी के डे के हिसाब से इसका लगा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। बहुत बड़े जो भी स्ट्रेटेजी का जितने भी थियोरिटिकल बुक्स है सब एक्सपायरी का दिन को पकड़ के लग लेते हैं। अरे भाई आपने 5 जून को ये स्ट्रेटेजी लिया, 25 में एक्सपायरी होने वाला है, आप 25 में क्या होगा उसका वैल्यू लेके आपने एक भविष्यवाणी कर लिया। क्या 5 से 25 वाले के दिन में कुछ भी मूवमेंट स्टॉक्स में नहीं आएंगे, उसके बारे में कोई सोचा भी नहीं। तो ये जब भी मैं बॉक्स स्प्रेड बताया, कल एक सज्जन ने भी पूछे ये बड़ा लॉस दे देगा भाई, इसमें तो फायदा फायदा कुछ आएगा ही नहीं, ये 25 तारीख को अगर ये 10,000 में एक्सपायरी हो जाता है तो क्या होगा, ये 25 तारीख को अगर 10,050 में एक्सपायरी हो जाता है तो क्या होगा। बहुत अच्छा है, आपको 25 तारीख तक क्यों रुकना है, उस दिन कोई बड़ा दावत आने वाला है या प्रधानमंत्री आपको कुछ गिफ्ट देने वाला है। तो 25 तारीख 50 तारीख को, 50 तारीख 25 तारीख में कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला नहीं है, बड़ा इवेंट होने वाला नहीं है। आपको ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 300-400 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव के लिए रखना है। वो आ गया आप निकल आइए, 3 दिन के बाद में आया निकल आइए, 2 दिन के बाद में आया निकल आइए, 5 दिन के बाद में आया निकल आइए। अगर देख रहे हैं कि हाँ कंसोलिडेशन 5-7 दिन चल रहा है, आगे कुछ मूव नहीं हो रहा है, मिड ऑफ द वीक हो गया, तो अगले महीने में इसको शिफ्ट कर दीजिए, इस महीने का क्लोज करके अगले महीने में शिफ्ट कर लीजिए। तो इसके जरिए में आप क्या कर सकते हैं, आपको लास्ट तक रख के एक पे ऑफ ग्राफ बना के, आप में से भी कोई एक बड़ा ग्राफ मुझे भेजे थे जब ये स्ट्रेटेजी मैंने कुछ दिन पहले दिया था, एक सज्जन ने मुझे एक ग्राफ कहीं से एक वेब से उठा के भेज दिए, बोले कि वो बता रहा है कोई 60,000 का लॉस हो जाएगा। वो एक्सपायरी डे को लेके, सारे सिमुलेशंस कर दिए। तो बीच का जो बीच का टाइम है वहां पे आईवीज क्या थे, उनके प्राइसेस क्या होंगे, वो कुछ भी नहीं सोचे। अगर इस तरह का सोच आप रखते हैं तो ये स्ट्रेटेजी में आप 1 रुपया भी पैसा कमा नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता देता हूं। अगर वही थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप देखते हैं, सब चीज 25 तारीख को ही पकड़ के, पैरामीटर पकड़ के 10,010 में ये एक्सपायरी हो गया तो क्या होगा मेरा, 25 तारीख को आप बैठे हुए हैं 5 तारीख में, तो 5 से 25 तक कुछ होने वाला नहीं है, जैसे वहीं पे भी मार्केट मूव होने वाला नहीं है 5 से 25 तारीख तक। तो 25 में ये हो गया तो क्या होगा, 5 से 25 तारीख तक मार्केट जहां पे है 10,000 में है तो एक्सपेक्ट करना यहाँ यही 10,000 में ही बैठे रहेगा मार्केट 5 से 25, जब VIX 30% है, तो ये VIX 30% है एंड मार्केट 10,000 में है, एंड आप सोच रहे हैं 5 से 25 तारीख तक ये 10,000 में ही बैठा रहेगा, तो इसको मैं क्या बोलूं। अगर इस तरह का सोच कोई रखता है तो उनके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी सही नहीं, आपको डायनामिकली सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम तो स्ट्रैटेजी है, आप जब भी एक पिलर खोद के घर बनाते हैं, अगर आप ये सोचने लगे 3 साल के बाद में मैं मरने वाला हूं तो ये पिलर क्यों खोद रहा हूं अभी, तो अगर आप इसका कॉस्टिंग्स लगा दें, अगर घर में अभी 50,000 का भाड़ा देके आप हर महीने में रह रहे हैं, ये जो एक्सपायरी दिन है वही लॉजिक को मैं ले लेता हूं, वही लॉजिक मैं आपको दे देता हूं, 50,000 का भाड़ा दे रहा हूं, 1 साल में हो गया 6 लाख, तो मैं अभी जीने वाला हूं, आप आपने लगा दिए, कोई तो 500 साल नहीं जीता है, अभी मेरा 50 साल हो गया और 50 साल में जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा तो इसमें 30 लाख रुपया मेरा लगेगा, 30 लाख रुपया लगेगा, वो 10-10% भी बढ़ा भी जाता है, 50 लाख हो जाएगा मेरा भाड़ा, तो 1 करोड़ देके घर क्यों खरीदू।
ये जो चीज है, अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं। आपको डायनेमिकली सोचना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी को डायनेमिकली सोचना पड़ेगा। ये डायनेमिकली सोच क्या है, ये डायनेमिक सोच क्या है, यानी कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने इनिशिएट किया इसको कब प्रॉफिट बुक करूं, आप बता दीजिए। अभी तो आपने एग्जाम्पल देखे, आप मैं बता 29 मई में लिया है, जब ये 10,000 में निफ्टी आ जाएगा प्रॉफिट बुक कर लेगा वो, या 9,000 में आ गया वो बुक कर लेगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं ये 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उसका गारंटी क्या है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसका गारंटी मैं बताता हूं। अभी जो VIX है, वोलाटिलिटी इंडेक्स है, अभी 29% में चल रहा है, 929। 29% का मतलब क्या होता है, तो 29 को स्क्वायर रूट ऑफ 365 में डिवाइड कर दीजिए, 365। ये वोलेटिलिटी तो ले लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ये VIX को लेके मैंने बता रहा, तो ये बन रहा है 8.51, 1.51। तो इसको मैं एक महीने का निकालूं तो 1.51 हो गया डेली VIX, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 30 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक महीने का ये निकल रहा है 8.31। अभी सपोज मान लीजिए आज क्लोज हुआ है 10,170 में, 10,170 मल्टीप्लाइड विथ 8.32 डिवाइडेड बाय 100। अभी इसके हिसाब से 845 पॉइंट का मूवमेंट आने वाला है, चाहे ऊपर के होगा नीचे में होगा, तो 845 पॉइंट का इसमें अंडर करंट है। तो 845 पॉइंट का, तो उसका अगर हम बिगिनिंग का मंथली लो, मंथली हाई, बिगिनिंग मंथली बिगिनिंग इसको लेके करें तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन निकलेगा। मोटा मोटी तरह से सोच लीजिए, अभी 845 रुपया का मूवमेंट का इसमें वोलाटिलिटी बैठा हुआ है, तो 800 से अगर 400 पॉइंट का भी मूवमेंट यहां से हो गए, यानी कि 10,170 से 400 ऊपर गया, या 400 पॉइंट आधा, वन थर्ड भी ले लीजिए, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में आ गया, मेरा ये मार्केट न्यूट्रल वाला जो स्ट्रेटेजी है इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जो स्ट्रेटेजी मैंने कल लिया है वो भी देख लीजिए, यही स्ट्रेटेजी था, आज वो कुछ 2 रुपया का, 2 रुपया 2.5 रुपया का कुछ प्रॉफिट में है। जब ये 200-250 रुपया जो मेरा एक्सपेक्टेशन कल था, आज उसमें से 100 पॉइंट ब्रिज हुआ है, अगर मंडे में और 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे मेरे को 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया, मैं निकल आऊंगा। एंड 35,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर 3,500 निकला एंड 400 रुपया एक्सपेंडिचर गया तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, निकल। तो इसी तरह से इस स्ट्रेटेजी को, पहला क्या है, आपको रिस्क एंड रिवार्ड, ये जो स्ट्राइक आपने बनाए हैं, जिसको खरीदे जिसको बेचे, कितना रिस्क है कितना रिवार्ड। अगर खरीदेंगे लॉन्ग लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड खरीदे करेंगे तो रिस्क क्या है रिवार्ड क्या है, शॉर्ट शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड करेंगे तो रिस्क क्या है रिवार्ड क्या है, ये पहले रिस्क एंड रिवार्ड डिफाइन कर लो। जिसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड सही लगता है, अगर लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड में रिस्क रिवार्ड सही लगता है उसको एंटर करो, शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड में अगर सही लगता है तो एंटर करो। एंड शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड आपको तब तक फायदा देगा जब तक VIX 15% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा VIX के सिचुएशन में इंडेक्स में शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड फायदा देगा। उसी तरह से कोई भी स्टॉक्स का अगर 30% से ज्यादा VIX वोलेटिलिटी है, कोई भी स्टॉक्स का, स्टॉक ऑप्शंस का, तो यहाँ पे भी ये आपको फायदा देगा, क्योंकि ये जो वोलाटिलिटी बैंड है यहाँ पे स्टॉक एक प्लेस में बैठने वाला नहीं, ये जरूर मूवमेंट होगा, इसमें जरूर एक मूवमेंट आएगा एंड वो मूवमेंट से ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। मान लीजिए कुछ भी स्टॉक्स, आप जो भी इंडसइंड बैंक उठा लीजिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लीजिए, आप कोई भी स्टॉक्स जो भी ज्यादा वोलाटिलिटी वाला स्टॉक्स है इसको उठा लीजिए, टाटा स्टील उठा लीजिए, टाटा मोटर्स उठा लीजिए, वो सारे स्टॉक्स में भी आप इस तरह के स्ट्रेटजीज फॉर्म कर सकते हैं। एंड अभी का जो मार्जिन सिचुएशन इसके लिए बहुत कंड्यूसिव है, आप ये भी सोच लीजिए।
अगर मैंने महीने में 5 बॉक्स स्प्रेड बनाए निफ्टी में, इसमें 35,000 का मार्जिन लगता है, तो 5 बॉक्स स्प्रेड बनाए, पहले आपको 100 बॉक्स स्प्रेड बनाए निफ्टी में तो 48,000 आपको मिल गया। 5 अगर मैं ट्रेड सक्सेसफुली करता हूँ, हर ट्रेड में 3,000 का पोस्ट एक्सपेंडिचर का गेन रखता हूँ, ये मेरा मेरा 15,000 इसमें से, ये 48 तो मैं क्रेडिट ले लिया तो 15,000 मुझे मिल गए, 15,000 मुझे मिल गए। महीने में 5 ट्रेड भी करें, 35,000 में 15,000 रुपया आप कमा सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न हो जाता है ट्रेंड को देख के, अगर जब तक ये VIX बड़ा रहेगा। छोटा VIX आ गया, आप बॉक्स स्प्रेड को शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड से लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड बना दो, छोटे VIX घट गए, वोलेटिलिटी घट गए, उस टाइम में रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाएगा, लॉन्ग बॉक्स से शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड से लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड। तो यहाँ पे यही प्लानिंग में बदलाव, VIX ऊंचा शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड, VIX नीचा लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड। ये शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड में रिस्क रिवार्ड कब फेवरेबल होगा, जब ये प्रीमियम या डिस्काउंट में रहेंगे फ्यूचर एंड स्पॉट। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट में रहेंगे फ्यूचर एंड स्पॉट, तो यही चीज है, ये 3 4 चीज सीख लिए, ये स्ट्रेटेजी सीख ली। तो फिर से और एक बार दोहरा लेता हूं, ये अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब आपका प्रीमियम या डिस्काउंट है साइजेबल, निफ्टी में 30-40 पॉइंट का प्रीमियम, प्रीमियम और डिस्काउंट है, तब जाके आपको शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड में अपॉर्चुनिटी देगा, उस समय में अपॉर्चुनिटी रहेगा। प्रीमियम डिस्काउंट तो समझ सकते हैं, तो ये बन गया। VIX जब तक ऊंचा है 15 के ऊपर में, VIX ऊंचा है तब, एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट कुछ भी आ गया, तब आपको शॉर्ट बॉक्स स्प्रेड लेना है। VIX 15 के नीचे आ गया एंड 15 के नीचे में आ गया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कुछ भी है निफ्टी में, उस टाइम में लॉन्ग बॉक्स स्प्रेड बना दीजिए। तो यही तकनीकी अगर आप फॉलो करें तो आप एक स्ट्रेटेजी में मास्टरी ले, बाकी का जो है आप स्ट्रेटेजी आप अपने इंटरेस्ट से, जितने हमारे कोर्सेस है यही हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना। जो लोग ऑप्शंस के 10 टेक्निकी वाला कोर्स अप्रैल में ज्वाइन किए थे वही सीखे आपको, आप अगर ज्वाइन किए होंगे तो ये कोर्स को थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग को 2 4 बार अभी देख लीजिए, जो लोग इसमें ज्वाइन किए हुए, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो रिकॉर्डिंग अभी भी खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स देना पड़ेगा, तो ये स्ट्रैटेजी अनलिमिटेड है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी का कोई कंस्टेंट नहीं है। हाँ 30 स्ट्रैटेजी, हाँ मुझे सैडल मालूम है, सैडल स्ट्रैंगल मालूम है, बटरफ्लाई मालूम है, वो सब आपको ये जो भी बोलते हैं वो 30 में अटक जाते हैं, 30 कॉम्बिनेशन के बाद, क्योंकि इतना ही स्ट्रैटेजी है, बट बाकी का जो स्ट्रैटेजी है कॉम्बिनेशन से बन सकता है, एक सैडल से स्ट्रैंगल से कॉम्बिनेशन से, तो इनका गिनती कभी खत्म नहीं होगा। 30 फैक्टोरियल यानी कि इतना नंबर 30 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 30 29 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, एक तक जितना बड़ा नंबर निकलेगा उतना ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉन एंडिंग, कैसे इसको समझे, उसको ब्रह्मा भी नहीं आके समझा सकते। तो इसमें क्या टेक्निक है इसको समझने के लिए, इसको टेक्निक ये है, इसका बहुत सरल टेक्निक है, एंड हर जो पिछले साल में ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जो 10 प्रोग्राम्स हुए हैं, ये 590 वाला प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में मैं ये 10 स्ट्रैटेजी 5 स्ट्रैटेजी इसको जो भी बताया हूं, उसमें किस तरह से ये किया गया है, कुछ जीरो लेस स्ट्रैटेजी सीख लो, थोड़ा डेल्टा थीटा वेगा जो है हमारा ऑप्शंस के जो प्राण है, जो उनका लाइफ है, इसको थोड़ा समझ लो, ये डेल्टा होता गया है, वेगा होता गया है, पूरा बेसिक पॉइंट से समझ लो, मैक्स पेन हुआ, आईवी रैंक हुआ, आईवी परसेंटाइल हुआ, उसको समझ लो। ये जब बेसिक चीज आप समझ जाते हैं, उसके बाद में ये आता है वोलेटिलिटी ज्यादा है किस तरह के स्ट्रेटेजी लिया जाए,
वोलाटिलिटी कम है, किस तरह का स्ट्रैटेजी, ग्रुपिज्म्स हो जाते हैं, ग्रुप्स हो आ जाते हैं, उस जब ये ग्रुप्स आप बना लेते हैं उसके बाद में ये इजी हो जाता है कि कैसे मैंने ये करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको तीनों स्ट्रैटेजी को मैप करवा दिया, ये क्या किया आपको कंडोर, अभी अगर कोई बताएगा आपको कंडोर, आयरन कंडोर, बॉक्स स्प्रेड, आयरन कंडोर एंड बॉक्स स्प्रेड, ये तीनों आपको समझ में एक ही जगह में आ गया। तो तीनों क्या क्या है आपको समझ में आ गया, कैसे आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है वो समझ गए। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर आपको बना के नहीं दे देगा, हाँ भाई ये पूरा बना है आपको, अभी मार्केट हमने देख लिए माइक्रोस्कोप में, अभी ये स्ट्रैटेजी बना दो पैसा आ जाएगा, यही सोच में हम रहते हैं, सॉफ्टवेयर सब बना के दे सिर्फ पैसा अपने पॉकेट में आए, तो ये जो चीज है वो गलत। सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वो एस्टिमेट करेगा, आपने स्ट्रैटेजी ले लिया उसका क्या क्या प्रॉफिट एंड लाइबिलिटी रहेगा वो एस्टिमेट करेगा, पे ऑफ ग्राफ दिखाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है दिखाएगा, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो दिखाएगा। तो वो सारे चीज हो जाता है तो आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो प्लान तो बन गया, आर्किटेक्ट बना दिया, तो कोई एक ऐसा एक मैजिक बना दो तो कोई मसन नहीं लगेगा, लेबर नहीं लगेगा, बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। 5,000 का बात है, एक हार्ट सर्जरी के लिए 5 लाख 10 लाख रुपया लग जाता है, स्टंट का अलग से 2-3 लाख, तो इतना पैसा लग रहा है भाई, डेली 100-100 का सर्जरी हो रहा है, तो कोई वैज्ञानिक क्यों ऐसे नहीं निकला, ये डॉक्टर वॉक्टर नहीं चाहिए भाई, टेस्ट हो गया, आदमी को लेटा दो, मशीन लगा दो, वो ड्रिल करके जाके बलून लगा दे हट में आ जाए बाहर, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंसी खत्म हो गया। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचो, इतना बड़ा बड़ा मशीन बन चुका है, तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, बड़ा बड़ा मशीन आ गया, रोबोटिक सर्जरी भी आ गया, फिर भी डॉक्टर का जरूरत पड़ता, क्योंकि ये जो चीज है, जब भी कोई भी मशीन बनेगा वो एक ये सोच लीजिए सॉफ्टवेयर क्या है, जो रंजन ने प्रोग्राम किया है आप वही देख रहे हैं, जो मैंने कोड लिखा, जो मैं इंस्ट्रक्शन दिया सॉफ्टवेयर को करने के लिए आप वही देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मेरा इंटेलिजेंसी को सॉफ्टवेयर में एक मिरर जैसा देख रहे हैं, आपका इंटेलिजेंसी नहीं है उसमें। कोई भी मशीन बनता है, सॉफ्टवेयर भी एक मशीन है, कोई भी मशीन बनता है वो एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स का इंटेलिजेंसी है, उसमें ग्लोबल कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं है। मशीन्स को इसलिए लिमिट रखा जाता है, हाँ इसमें टेस्ट हो सकता है, हाँ ये अपना सही तरह से वेन में एंट्री करके जाके बलून फिक्स कर सकता है, बट ये डिसीजन डॉक्टर लेगा, वो पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसमें किस तरह का बलून लगेगा, शायद क्या ये मशीन लगाएगा या उसको मैन्युअली करवा पड़ेगा, ये सारा चीज डॉक्टर का। तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी भी ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आप इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ वो रोबोट पैसा बना के देगा रोबोटिक ट्रेडिंग से, बिलीव मत करो, आप खुद बनाओ, अगर पैसा रोबोट में बनने लग गया तो क्या होगा, पैसा अगर रोबोट में बन गया तो क्या होगा, तो कोई भी ट्रेड नहीं, जो कुछ एनालिसिस से कुछ कंप्यूटेशन है जो आप मैन्युअली कर नहीं पाएंगे वो सॉफ्टवेयर करेगा, सॉफ्टवेयर का रोल भी है वो 50% का 50-60% का आपका मैनुअल लेबर को एफर्ट को कम करेगा, एनालिसिस करेगा, कुछ व्यूज देगा आपको, ऐसे जैसे प्रधानमंत्री है उनका बहुत, प्रधानमंत्री जो पीएम हमारे होते हैं उनका बहुत सेक्रेटरीज होते हैं, इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी रहते हैं, सब आईएएस ऑफिसर है, सबका व्यूज वो लेते हैं एंड डिसीजन सेंड में लेते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को एक सेक्रेटरी जैसा यूज करो, उसमें इनपुट्स जो भी है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट को आप खुद निरीक्षण करो, उसको एग्जामिन करो, उसके बाद में डिसीजन प्रोसेस जो है वो आपने दिमाग से लो। जो 14 घंटे का आसपास में वीडियो है उसको 5 बार 10 बार जितने बार हो सके थोड़ा देख लो, ये मेरा अनुरोध है, बहुत लोग आपने खरीदे होंगे कोर्स, देख लो तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा थॉट प्रोसेस, ये स्ट्रेटेजी मुझे इस सिचुएशन में लेना है, 4-5 स्ट्रेटेजी अगर ऐसे दिमाग में ठीक से बैठ गया आपका, अभी जो
रिस्क मैनेज ट्रेड से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। जब आप रिस्क मैनेज ट्रेड से पैसा बनाएंगे, इंट्राडे को पूरा भूल जाएंगे। इसका पीछे में भी यही को सभी ने जो डिसीजन लिया है, इनका एक ही मकसद है, लोग जो बड़ा मार्केट में मूवमेंट आ जाता है डूब जाते हैं, वो ना डूबे, पढ़े, सीखे, सही तरह से हेजिंग को इम्प्लीमेंट करे, एंड हेजिंग को इम्प्लीमेंट करके वो एक हेल्दी ट्रेडर्स बने, उनका ये मकसद। तो जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा वो मार्केट में रहेगा, हेल्दी ट्रेडर बनेगा। जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका वही एक्सपीरियंस होगा जो एक गैम्बलर्स का होता है। तो ये आयरन कंडर, जब ये इन द मनी हो गए, वो हो गया बॉक्स। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है प्रोडक्ट रिलेटेड, आप ये दोनों नंबर से कोई भी नंबर में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो भी व्हाट्सएप का नंबर है मेरा आप सबके पास में होगा 9941105705। तो ये नंबर को भी सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर में व्हाट्सएप के जरिए में आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं। एंड लैंडलाइन का नंबर अभी ऑपरेशन में नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण से वो स्टाफ कोई नहीं है डेस्क में, आप ये मोबाइल नंबर में ही हम लोगों को रीच हो सकते हैं। तो इसका रिकॉर्डिंग जो मैं लिया हूँ, इसको कुछ कल आपको इसके साथ में कल मैं आपको शेयर करूंगा, एंड या आज रात में आपको शेयर करूंगा। तो आगे चल के जो प्रोग्राम्स होगा वो तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होता है, सिर्फ हमारा जो बायर्स हैं सॉफ्टवेयर का उनको फर्स्ट प्रिफरेंस उसमें दिया जाएगा, एंड बाद में जनरल लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर बायर्स हैं ऑलरेडी वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं, उनको पहला प्रिफरेंस दिया जाएगा।